अच्छा, आपकी फिल्म रईस पोस्टपोन हो गई है, जी तो आपका क्या रिएक्शन है सर? पोस्टपोन होना सही था या फिर आ जाना चाहिए था नहीं, ईद पोस्टपोन में? होकर कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। कोई ऐसी फिल्म नहीं है कि वो कि भाई उसके पोस्टपोन होने से जो है चीज़ें बदल जाएंगी। कोई अगर पोस्टपोन भी कितना हुआ वो, जान चली गई है। हाँ मैंने नहीं, मुझे नहीं पता कब लोग बता रहे हैं। जैसे आपने बताया कि जैन में रिलीज़ होगी फिल्म, वो तो कोई ऐसी, क्योंकि 5-6 महीने तक तो उसका पोस्ट प्रोडक्शन ही चलेगा अभी। लेकिन ऐसी बात, ऐसे रूमर्स चल रहे थे कि कुछ सीन्स शाहरुख खान को पसंद नहीं आए थे तो वो रीशूट करने की जी का नहीं, सोच मैंने तो रहे। अभी ऐसा कुछ सुना नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अभी। ओके, तो जब सुल्तान और रईस का क्लैश होने वाला था, अभी तो चलो पोस्टपोन हो गई, तो आपको ऐसा लगा था कि रईस को मूव करने की कोई ज़रूरत भी है या फिर वही रह सी ये जाते तो डिपेंड ठीक है? करता है आपके प्रोड्यूसर पे। प्रोड्यूसर जब चाहेंगे, उनकी अपनी मर्जी है, वो जब चाहेंगे रिलीज़ होगी। हम लोग एक्टर लोग हैं, हमने काम किया, हमारा इतना ही काम था, जितना हमारी डिमांड होती है उतनी उतना काम किया हमने। फिर वो प्रोड्यूसर पे ये सारी चीज़ें डिपेंड, जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं फिल्म की, उनके ऊपर डिपेंड रहती हैं। नहीं, आपने मूवी की है, आपको पता है स्टोरी क्या है, हाँ कितना मेरिट है उस स्टोरी जी में। जी सो उस हिसाब से अगर आपसे पूछूं मैं कि वो क्लैश अगर होता तो भी कोई फ़र्क पड़ता क्या रईस को, अगर सुल्तान के साथ रईस आती? नहीं, क्लैश तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही फिल्म में फ़र्क पड़ता है, चाहे वो सुल्तान हो या रईस हो, दोनों फिल्म में फ़र्क पड़ता है। और आई डोंट थिंक सो कि कोई अच्छी कोई स्ट्रेटजी होती है कि बड़ी फिल्में, दो फिल्में एक साथ रिलीज़ हों। हाँ, तो क्योंकि अच्छा, दिस इज़ गुड कि अभी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जैन में भी ये काबिल के साथ ही आ रही है ऋतिक रोशन की फिल्म। लेट्स सी, मैं तो इस बारे में तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है उस वक्त पर कौन सी फिल्म आ रही है या कब ओके, रिलीज़ करेंगे, क्या डेट एग्जैक्टली फाइनल हुई।